चल बस करते हो गया जल्दी करें ले आए कितनी देर है इसको मैं आपको बना देता हूँ सुहाना फिर आपने वो कर लेना है धो देना इसको आप जो है ना खीर गरम करें अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि मेरी सब बहनें और भाई खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब बिल्कुल ठीक हैं व्यूअर्स। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि आज जो है ना अदनान भाई ने क्या पकड़ा हुआ है और ये कर क्या रहे हैं व्यूअर्स। आज हम बना रहे हैं आम का जूस, ठीक है, मिल्क शेक बना रहे हैं। तो मिल्क शेक व्यूअर्स वैसे तो आजकल लेटेस्ट दौर है, ठीक है, मशीनों में हर चीज़ों में बन जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मशीन नहीं है तो हम क्या करें, ख्वाहिश तो है क्योंकि गर्मी इतनी थी मिल्क शेक पीने की, ठीक है। तो दस्ती ये देखें, अभी मैंने ये अम्मी ने छुपा के रखा हुआ था लस्सी बनाने वाला, ठीक है, इसमें से झाग जो है मिक्स होती है, ठीक है, और इसको इसकी साइड पे सोटी वगैरह नहीं है जो कि मैं अभी बना रहा हूँ वो लगाऊंगा और इसके साथ आज हम मिल्क शेक बनाएंगे, ठीक है। अम्मी को भी पिलाऊंगा और सबको पिलाऊंगा। और अम्मी बना रही है सब्जी, रवा निकाल रहे हैं, वैसे रवा की फली है ना, तो ये निकाल के आज ऐसा समझ ले कि हमारी सब्जी भी नहीं है और अब्दुल हादी भी साथ में जो है ना दादी जान के बैठा हुआ है, देख रहा है कि किस तरीके से बनता है। इंशाल्लाह व्यूअर्स मशीन ले आऊँगा, लेकिन अभी जो इस टाइम दिल कर रहा है मिल्क शेक पीने का, सुहाना ने तंग किया हुआ है हमें, ठीक है। वैसे हर कोई जो हमारे गांव में हर किसी की मशीन है, बस हमारी नहीं है सिर्फ। हाँ। सुहाना सही तरीके से जो है सिल रही है ना, भाभी सही तरीके से सिल रही है, देख। हाँ बस सही है, एक महीना तो। तो ये देखें जी इनको मैं दिखाता हूँ व्यूअर्स, आपको क्या समझ आएगी। तो इसको मैंने माशाल्लाह से बना लिया है, तो जैसे ये अभी घूमेगा ना तो हमारा मिल्क शेक व्यूअर्स तैयार हो जाए। तो ये डंडा होता तो छोटा ही है, लेकिन मैंने व्यूअर्स पूरा डंडा ही लगा दिया ताकि सुहाना तरीके से जो बनाया ना इसलिए। हाँ, देसी तरीके से बनाया है और इसको व्यूअर्स जब हम मिल्क शेक में लगाएंगे तो ये बन जाएगा। अम्मी कहाँ गई है सब्जी छोड़ के, वो अब्दुल हादी रोने लग गया था, उसे ले गई है। आज मेरे ख्याल में इन्होंने बस सब्जी नहीं बनानी, रोटी नहीं खानी, आज मिल्क शेक पी के सो जाएंगे। लेकिन अभी शुरू हुए ना। अस्सलाम वालेकुम, तो आप सब कैसे हैं। तो माशाल्लाह से सोना और मैंने जो है आम छीलना शुरू कर दी। भाभी मैंने एक छील लिया, आपने अभी तक नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। शुक्र है इनको व्यूअर्स ख्याल आ गया कि सलाम भी करना है व्यूअर्स को। अपने व्यूअर्स को कौन भूल सकता है, हर रोज इसे सलाम ही तो हम करते हैं। ये व्यूअर्स हमने दूसरी आम लिया है, होते तो दूसरे जो है ना सबसे अच्छा मैंने कहा आम, तो वो कह रहा है कि आम ये दुसेरी आम जो होता है सबसे अच्छा और मीठा होता है, मीठा होता है, इसका तो जूस ही तैयार होता है ना। हाँ,
मक्खियों का ख्याल करना, मिल्क चेप मक्खियों का ना। बस हम कहें कि मिल्क चेप तैयार हो रहा है और सोना और ये दोनों जो है ना मक्खियां छील छील के बस बाटी के अंदर डालती हैं और देख घुमाटा जो है मिल्क चेप तैयार हो गया। ये ख्याल करना हमने बनाई ना, इसमें देख लेंगे मक्खियां आ जाएंगी तो भगा लेंगे मशीन से। बस ये होता है कि हर चीज बीच में मिक्स हो जाती है, ये हमने इसलिए बनाया है कि कोई भी मक्खी आएगी तो हमने देख लेना इसमें से इस जगह पे जाए रुक जाएगी। अभी इसका एक डंडा नहीं है, वैसे ये सारे 2, 4, 6 डंडे हैं, काफी सोना है। एक प्लेट और ले आओ। हाँ तो ये क्या कर रही हैं अभी आप? हाँ ये इसमें से आप गटक से जो है ना, हाँ, ये गिट के अलग दा कर लेंगे ना, ये दूसरी प्लेट ले लो ना, प्लेट ले आओ सोना, ले आ रही है इसमें डाल दूंगी गिट के, जैसे डाल दूंगी ये अच्छे तरीके से साफ करो, गट्टक से पूरा साफ करो। कर लेंगे ये जितना साफ होगा ना फिर उतना फायदा है। सुहाना आप इधर से साफ करती आओ, क्योंकि अभी ऊपर से आप निकाल रही हूं ना, मैंने कहा सुहाना जो है अच्छी तरीके से साफ कर लेगी, बाकी मैं और थोड़ी ज्यादा जल्दी कर रही थी इसलिए मैंने कहा जल्दी ना करो आप। ये आम भी तो है, इसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे तो इसका तो मिल्क शेप बनेगा, जूस बनेगा। तो दूध कहाँ तक पहुँचा है मैं भी बस देखता हूँ। दूध मैंने अभी चूल्हे पे काट के खिला दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारा दूध जो है अभी कड़ गया है। अब कितनी देर हो गई है कड़ गया? बस ठंडा हो जाएगा फिर डालेंगे, अभी उतार दो। चलो इसको मैं उतार के रख देता हूँ, आप बनाए यहाँ। आज देखेंगे कि हमारा जूस जो है कैसे तैयार होता है। हम बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि कभी तैयार हो, या हम देखेंगे कि बस जो मशीन में तैयार हो तो सेकंड में तैयार हो जाता है, लेकिन आज हम अपने तरीके से जो इसे बना रहे हैं। मशीन दिवस मशीन से तो वैसे तैयार हो जाता है, ठीक है। हाँ। तो इंशाल्लाह मशीन भी ले आऊँगा, ये तो ऐसा समझ लें कि दिल कर रहा था कि जल्दी जल्दी मिल्क शेप हो, क्योंकि आज जो गर्मी थी ना मैं आपको बता ही नहीं सकता कि आज हमने कितना मुश्किल से दिन गुजारा है, ठीक है। तो ऐसे आग लगी हुई है किसको आग लगी हुई है? मुझे गर्मी की वजह से आग लगी, ये दोनों हंसने लगी, पता नहीं आग किस चीज को लगी हुई है। तो आग वजह लगी हुई है गर्मी की वजह से, जो है ना ऐसे दिमाग भी जो है गर्म हो गया और अंदर से पूरी मशीन भी जो चल रही है ना सारी गर्म हो गई है। तो अभी हम सब का दिल कर रहा था कि आज जो है मिल्क शेप पीने का, तो अब सिस्टर को भी देंगे क्योंकि उनको भी बहुत ज्यादा। हाँ आप ही को भी देंगे इंशाल्लाह, सब घर वालों को देंगे। एक किलो 1 kg दूध है हमारे पास और हमने 1 kg जो है आम लिया है, उसको अभी हमने माशाल्लाह से छील लिया है। अभी इसमें थोड़ी चीनी ऐड करेंगे, चीनी ले आओ। आप ये सोच रहे होंगे कि बस ये इस्तेमाल तो वैसे लस्सी के लिए होता है, ठीक है, मक्खन निकलता है। हाँ लस्सी बनाते हैं और मक्खन निकलता है। एक तो मेरे बाल है ना पता नहीं एक जगह टिकते नहीं है, मैं आप एक जगह टिकाओ तो टिके ना, नहीं कंघी देता नहीं हूँ इतने रहते हो वो भी इतनी आला से बस कंघी मैं देता नहीं हूँ। और ये जो है ना कमरे की जब सफाई करती है चीजें इधर उधर कर देती है, ये नहीं है कि चीजें रख दे साइड पे संभाल के, नहीं कंघी होती है तो एक कंघी है हमारी पूरे घर में भी तो हम उसको ढूंढते रहते हैं। सुहाना ने अपने कमरे में ले आती है, मैं ढूंढती रहती हूँ, ये चले जाते हैं ढूंढते सुहाना रख देती है कहीं, फिर ढूंढते रहते हैं। मैं तो यकीन माने जब भी नहा के तैयार होता हूँ ना ऐसे हाथ फेरा और बाल होती नहीं आगे से, इसीलिए तो आज आपने कंघी दी भी नहीं, इसलिए मेरे बाल यहाँ टेढ़े होंगे। चले खैर है दूध सॉरी मिल्क शेक पीना है ना इसकी खुशी में। चलो ये पकड़ो चीनी। तो अभी माशाल्लाह से बस 4 पैसे उठ के ऐसा समझने के सब चीजें ले आए हैं एक मेज के ऊपर, ठीक है। तो ये मेज अम्मी के दहेज की है, पड़ी हुई थी तो आज काम आ गई है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अभी शुरू करें ना। हाँ बातें तो होती रहेंगी। हाँ। तो अभी आम डालें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ऐसे
सोना आपने पंखा तेज रखना है, ठीक है? मेरा पंखा तेज है बस आपने। चलो अभी दूध डालें, बिस्मिल्लाह करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये ज्यादा दूध नहीं डालना क्योंकि गाढ़ा नहीं बनेगा ना। हाँ पहले देख लेते हैं ना उसके हिसाब से। थोड़ी चीनी डाल दें, आधी डालें फिर बस। जोर से लगाएंगे तो बनेगा ना। सारा जोर आज इधर ही लगाऊंगा भैया। टेंशन ना ले, मिल्क शेप बनेगा, आप परेशान ही ना हो। ये है कि वह थोड़ा मिक्स जो है इसको मुश्किल में करना पड़ेगा, आसानी से मिक्स नहीं होगा। टाइम लग जाएगा ना उस मशीन में, तो 1 सेकंड लगता है। मशीन होती है ना ये, देखिए अभी मिक्स हो रहा है। ठीक है, ये इसको मैं घुमाटे दे रहा हूँ बस। ये अभी लस्सी में मक्खन निकालती है। ये अभी आम जो है ना, आम नरम ही है, ठीक है। हमने कटाई इसकी पतली पतली की है ताकि ये बीच में जल्दी टूट जाए। तो ये पता नहीं दरख्त में से कोई चीज आवाज कर रही है, ये नहीं पता कि है क्या चीज। सुहाना को मैंने कहा है कि इसको जाके चुप करवा के आओ, इसने ओ भट्टे मारे अंदर। इसने चार रात होने वाली है तो कहाँ चुप करेगी। 4-5 भट्टे इसने मारे हैं लेकिन मजाल है वो चुप कर दे। भाभी कह रही थी इस रैंकिंग में कि ये जैक किया। आप ऐसा करें इधर से मेरे बाजू दबाती रहे। आप इतना जोर लगाए इधर तो मैं। अभी कुछ मैंने मिक्स कर लिया है गर्ल्स, ठीक है। तो कुछ आप इसको देती है, इससे और तेज मैं नहीं चल सकता भाई। अभी भी मैं थोड़ा ताक गया हूँ। इसकी स्पीड तो मुझसे भी तेज है यार, मैं तो ऐसे लगा हुआ था इसको ही देना था। ये देखें इस तरीके से माशाल्लाह से हमारा मिल्क शेक तैयार हो रहा है। हो गया तैयार के? हाँ बस हो गया, अभी थोड़े थोड़े जहाँ रहते हैं बस। खाना आप पंखा तेज रखना। मेरा पंखा तेज है, आप टेंशन ना लें। असल में मक्खियों की मौसम है, गर्मियाँ बहुत ज्यादा है ना, मक्खियाँ जान ही छोड़ती है आप यकीन माने। हो गया ना, अभी चलाएं चलाएं। खाना की फरमाइश तो पूरी हो रही है, वो शीशे की गिलास में ऐसे डाले भाई, ये क्या है? अभी इसको जो है बना के अभी पीना नहीं है, रख देना है फ्रिज में। ये हमारे इधर फिर पीना है। हमारे रिश्तेदारों में एक बच्चा है, वो थोड़ा तोतला बोलता है, ठीक है। वो ना एक दिन चावल खा रहा हो, ठीक है, तो चावल ना मीठा गर्दा था, ठीक है, जिसको मुतंजन हम कहते हैं। उसमें थी इलायची। तो उसने जब देखा उसका पापा उसके साथ में बैठा था, कहता है अब्बो दाची। उसने जब देखा दाची, कहता है कहाँ है, वो भी आगे से वैसे ही था, ठीक है। उसने ये नहीं कहा कि प्लेट में इलायची है, ठीक है, सोचला था ना थोड़ा शुरू चौथा मेरी गली बस। तो अभी माशाल्लाह से हमारा मिल्क शेप रेडी हो गया। अभी इधर दे, मैं कुछ हेल्प करता हूँ आपकी। फिर आप कहेंगी कि मियाँ देखते रहे जूस ये पी गए हैं सारा और मिक्स मुझसे करवाते रहे हैं। नहीं बस तैयार हो गया, थोड़ी देर है बस। ये मिल्क शेक पीने का मजा ही कुछ और है, मेहनत से बना रहे हैं। इसका एक एक घूंट ऐसे लगेगा कि जैसे हम कोई चीज पी रहे, ऐसे ही लगेगा कि हम कुछ पी रहे, लेकिन ये हम मेहनत से बना रहे हैं। मशीन में तो वो 1 मिनट लगता है, वो डालो और थोड़ा दूध डालूं कम तो नहीं है? नहीं ठीक है, ज्यादा पतला हो जाएगा। ये आम तो साथ में लड़का हुआ था। मैंने देखा कि पतला है कि मोटा है। असल में जो आम मोटा था ना उसमें बाल थे, ठीक है, वो बाल के साथ ही आ गया।